नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या गहलोत सरकार खतरे में है? फंसे गहलोत घोड़ा बाजार में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हो रही है। उनका आरोप है कि उनके विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि गहलोत आरोप साबित करें। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़े की वजह से यह पूरा खेल रच रही है। इस बीच राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चरम पर है। हम आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उसी रिजॉर्ट में वो मौजूद है जहां आज शाम 5 बजे तक सभी विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया था। 6 बज चुके हैं, कितने विधायक पहुंचे हैं? शाम 7 बजे यहां पर बैठक लेने वाले हैं अशोक गहलोत। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ पहुंच चुके हैं। क्या राजस्थान की सरकार खतरे में है? क्या बीजेपी वाकई उन्हें तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, फिराक में लगी हुई है, या फिर आपस का झगड़ा है? रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। क्या राजस्थान में ऑपरेशन लोटस चल रहा है? क्या राजस्थान में गहलोत सरकार अब खतरे में है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि बीजेपी मध्य प्रदेश वाला खेल राजस्थान में भी खेल रही है। गहलोत का आरोप है कि बीजेपी 35 करोड़ में विधायकों को खरीद रही है। और जिस प्रकार की खबर आ रही थी कि ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले, हालांकि मध्य प्रदेश जो 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चल रहे चुनाव से पहले चल रहा है जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को शहर से 25 किलोमीटर दूर एक 5-स्टार रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया है, ये कहते हुए कि बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के चीफ व्हिप ने एंटी करप्शन ब्यूरो में अज्ञात लोगों के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की शिकायत भी कर दी है। उधर असली रहस्य तो ये है कि उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये क्यों कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को खरीदने की कोई कोशिश हुई हो। पायलट गुट के विधायकों ने यहाँ तक कहा कि विधायकों को रिसोर्ट में रखने की जरूरत नहीं थी। इस बीच आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक विलास रिसोर्ट में होगी। डर किसी बात का नहीं है, लेकिन अपने विधायकों से बात करना, बीजेपी अपने विधायकों से बात कर रही है, अपने से कर रहे हैं, रिसोर्ट में रख रहे हैं सर, ले जाकर 8-10 दिन के लिए। तो क्या लॉकडाउन हुआ था, सब लोग इकट्ठा बैठे हैं घरों में, अलाउड नहीं है 20 से ज्यादा लोग बैठना, इसीलिए होटल में गए थे ताकि खुले में सब लोग बैठ के बात कर सकें, और मीटिंग करने का बजाय हॉल में करें, खुले में मीटिंग करी, इसलिए कल होटल मीटिंग करी थी हम लोगों ने। जयपुर से 25 किलोमीटर दूर इस रिसोर्ट में कांग्रेस के विधायक और गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक इन दिनों पॉलिटिकल क्वारंटीन पर हैं। सैकड़ों की तादाद में सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी बाहर तैनात हैं। मंगलवार को सभी विधायकों को फोन गया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार की शाम यानी बीते दिन 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक है। सभी विधायक गहलोत के निवास 13 सिविल लाइन्स पहुंचे। वहीं से लग्जरी बसों में विधायकों को बिठाकर शिवविलास रिसोर्ट भेज दिया गया। इधर दिल्ली से चार्टर्ड विमान से राज्यसभा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंच गए। रात को इन विधायकों की बैठक हुई, जिसमें से विधायकों ने कहा कि हम तो कपड़े भी लेकर नहीं आए, और कुछ ने कहा कि दवाइयां भी लेकर नहीं आए। तब अशोक गहलोत ने 24 घंटे का वक्त दिया, कहा कि गुरुवार की शाम 5 बजे तक होटल में पहुंचिए, यानी आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक इसी रिसोर्ट में होनी है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको बैलेंस वोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए मेरे साथ, 13 विधायक आए मेरे दिल्ली। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपए का सोना नहीं। हमारे विधायक है, हमको रोज बुलाएं, रोज बात करें, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे अपने विधायक है, हम आपस में रोज ऐसे मिलते हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राजस्थान में 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। निर्दलीयों के साथ कांग्रेस 123 विधायकों के बहुमत होने का दावा कर रही है। बीजेपी के पास है 72 विधायक, इनके साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक भी हैं। राज्यसभा में जाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिए 51 वोट। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीटें जीत रही है, जबकि बीजेपी को 2 सीटें जीतने के लिए कुछ विधायकों को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। उधर बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है,
बदनाम हमें किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई। फिलहाल थ्योरी पर थ्योरी और थ्योरी में सब थ्योरी के पॉलिटिकल ड्रामे के बीच कोविड 19 काल में मध्य प्रदेश के ड्रामे के बाद ये राजस्थान में सबसे बड़ा सियासी पवंडर है। आज तक ब्यूरो। तो दो खास मेहमान गौरव भाटिया, पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से आपको दिखा दें। सचिन पायलट अब रिजॉर्ट पहुंच गए हैं अपने विधायकों के साथ, पूरे विधायकों के खेमे के साथ वो उस रिसोर्ट में पहुंच गए हैं, और हमारे सहयोगी उसी विलास रिसोर्ट से इस वक्त हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं। शरद, क्या अपडेट है? माना जा रहा था कि अनबन दिखाई दे रही है, क्या अब सचिन पायलट जो पहले दौसा गए थे अब यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो माने कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या विधायकों का पहुंचना, 7 बजे बैठक होनी है शरद? शरद, 7 बजे बैठक होनी है, कितने विधायक आ गए और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसके अनुसार सचिन पायलट करीब अपने 22-23 जो विधायक उनको साथ लेकर पहुंचे हैं, और वो ये जो बैठक होने जा रही है इतना आसान बैठक नहीं है कांग्रेस के लिए। काफी हंगामेदार बैठक हो जा रही है कि कांग्रेस में एक खाई खिंची हुई है, जिसे लेकर यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से पुलिसकर्मियों का एक बड़ा जमवाड़ा है यहाँ पर विधायकों की सुरक्षा के लिए, और इस तरह से यहाँ पर हालात है। लगातार गाड़ियां हम आपको दिखाना चाहेंगे अंजना, ये देखिए विधायकों का लगातार आना जारी है। 5 बजे का वक्त दिया गया था, 7 बजे अशोक गहलोत यहां पहुंच रहे हैं, सचिन पायलट उससे पहले अपने विधायकों के साथ पहुंच गए हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ये बात सही है। इनका कांग्रेस का भले ही कहना है कि बीजेपी हमारे पार्टी को तोड़ फोड़ रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के किसी भी नेता का नाम नहीं दिया गया जिसने पार्टी को प्रलोभन दिया हो। जो शिकायत की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो में, उसमें भी किसी पार्टी का नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, उसका ये नतीजा लग रहा है। और जिस तरह से खबर आई है, अशोक गहलोत ने अचानक रात को मंगलवार को 12 बजे अपने सारे विधायकों को यहाँ बुलाया है जयपुर, और उसके बाद उन्हें ये भी नहीं कहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सीधे बस में बैठाया है। मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही लग्जरी बसें लगी हुई थी, सीधे बस में बैठाया और ले आकर यहाँ पर शिवलास रिजॉर्ट के अंदर रख दिया है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात कांग्रेस के अंदर है, कि जो ऑपरेशन लोटस जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है, उसका डर कहीं ना कहीं सता रहा है कांग्रेस को कि राजस्थान में भी हो सकता है, इसीलिए इस तरह से तैयारियां की जा रही है। कल ही चार्टर्ड प्लेन से रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, आज अविनाश पांडे पहुंचे हैं, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है केशी वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं। तो पूरे कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि राजस्थान जैसा राज्य कहीं हाथ से न निकल जाए, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक हैं जिस तरह से। यही सवाल पूछ रही हूं शरद, इसके बावजूद शरद एक सवाल है, शरद अगर आप सुन रहे, एक सवाल है। इधर अशोक गहलोत कहते हैं एमपी वाला खेल बीजेपी यहां भी खेल रही है, इधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम तो सामान्य परिस्थिति में बात कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? उनके एक विधायक की भी हम बात सुनाएंगे, वो कहते हैं कि रिजॉर्ट में रखने की जरूरत नहीं थी। क्या दो फाड़ है इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के? राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जो ये तूफान उठा है प्याले के अंदर, ऐसे नहीं उठा है। राजस्थान में जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए, लगातार सचिन पायलट हमला बोलते रहे। आज भी सचिन पायलट ने कहा कि किसको विधायक, किसको पैसा दिया गया मुझे पता नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है किसको पैसा दिया गया। तो इस तरह के हालात आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं बीजेपी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है अंजना, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक बड़ी खाई खिंच गई है राजस्थान में भी, जिसे पाटने के लिए जो केंद्रीय नेता हैं वो आए हुए हैं, और विधायकों को बुलाया गया है, जो कई मंत्री हैं। कल अशोक गहलोत ने सबको कहा पहुंचने के लिए, लेकिन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, रमेश मीणा नहीं पहुंचे, ये साफ साफ नाराज बताए जाते हैं। आज सुरजेवाला उनके घर गए, उनके घर जाके उनको मना के ले आए, रमेश मीणा से बातचीत की, तो एक एक जो मंत्री नाराज है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। समय रहते कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के हालात वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ, तो कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, उस जोखिम को राजस्थान में नहीं उठाए, उसे लेकर यहाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये साफ कहा जा सकता है। इसीलिए इस तरह से
विधायकों कहाँ रखा गया है? पहले दूसरे राज्यों को, कभी गोवा के विधायकों को रखते, कभी मुंबई के, कभी महाराष्ट्र के, कभी गुजरात के। शरद, हम आपके पास आते रहेंगे, कोई भी और अपडेट हो, कोई वहां पर आए जो बात करने को तैयार हो, फौरन हमें इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। इस बीच पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन गौरव जी, आपके पास आने से पहले पवन खेड़ा जी से सवाल बनता है। पवन खेड़ा जी, ये कौन सा डर है जो इतना सता रहा है अशोक गहलोत को? कह रहे हैं एमपी वाला खेल बीजेपी यहां खेल रही है, जबकि सचिन पायलट गुट के नेता सचिन जी साफ इशारा कर रहे हैं कि कौन पैसा, कहां पैसा, किसको दे रहा है, रिसोर्ट में रखने की क्या जरूरत है? अंजना जी, हाँ, जब सड़क पर चोर घूम रहे हो, ताला लगाना तो बनता है ना, या मैं घर के ताले लगाना छोड़ दूं तो चोरों से कैसे निपटूं? तो बाहर जब चोर निकल रहे हो, बार बार घूम रहे हो, तो अच्छा है गहलोत साहब ताला लगा रहे। और मैंने भी सचिन जी की बात सुनी, उन्होंने तो कहा हम रिजॉर्ट में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, एक कमरे में, एक घर में 20 लोग नहीं मिल सकते, ओपन में रिजॉर्ट में मिलेंगे। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा, तो मुझे नहीं मालूम आप किसके शब्द बोल रही हैं, उनके किसी विधायक ने, उनका विधायक, मेरा विधायक नहीं है पवन जी, यहां कांग्रेस का विधायक है। ठीक है, कांग्रेस विधायक नहीं, कांग्रेस विधायक राकेश पारिक। अरे प्रभु, एक सेकंड सुन तो लीजिए, मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा है, लेकिन अपने विधायकों पर भरोसा रख पाएंगे कि नहीं, ये सुनने के बाद सुनिए जरा राकेश पारिक, एक सेकंड नहीं, आप पहले सुनिए राकेश पारिक को। राकेश पारिक कांग्रेस पार्टी एमएलए, मैं नहीं बताऊंगी किस खेमे के हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं वो, राकेश पारिक का सुनाइए जरा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है, हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हमारे पास। रिजॉर्ट में ले जाकर विधायकों को रखा जा रहा है, वो रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है, और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को ऑफर मिला हो, तो आखिर किसको मिला है ऑफर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वो कहने वाले जाने, हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। सचिन पायलट को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें मीडिया में फैलाई जा रही है। देखो, ऐसा ही होता है, राजनीति में चीजें जायज है, चलती रहनी चाहिए। ये पारिक साहब तो कह रहे हैं सर कि मुझे तो किसी ने ऑफर दिया नहीं, और रिसोर्ट में रखने की जरूरत तो है नहीं। जी नहीं, एक विधायक अगर वो कह रहा है, वो अपनी ओपिनियन बता रहा है, तो अशोक गहलोत जिसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी बात आप नहीं मानेंगे? आपकी इच्छा आप मत मानिए। पहले तो ऐसा होता था अंजना जी कि किसी की कोई सरकार गिराने जाता था तो उसको मीडिया लानत देता था कि आप क्यों चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं। अब ऐसा होता है सर, आप साबित कर दीजिए ना, आप साबित कर दीजिए ना पवन जी, नाम तो बताइए। नहीं नहीं, बीच में पूछूंगी ना, आप मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए ना, फिर आप मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए, नहीं आप मीडिया पर, आप क्योंकि आप जवाब दीजिए। अगर अगर मेरा रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है शरद, वो जो बता रहा है, जब मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से ये रिपोर्ट दे रहा है, वो कह रहा है कि नाम का, अंजना ओम कश्यप जी, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, आपको भी जवाब देना होगा, आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है। अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम दर्ज किया गया है, मेरा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो कह रहा है, वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपका रिपोर्टर की पूरी इज्जत, आपका यही काम अब रह गया है पवन खेड़ा जी, कि आप रिपोर्टर पर, मीडिया पर रिपोर्ट खड़ा कीजिए। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपना काम सीखिए। बिल्कुल, अपना काम मैं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही है, उल्टा हम पर आप बोल तो रहे आप साबित कीजिए ना, उल्टा और सुल्टा की बात नहीं, आप साबित कीजिए, नाम बताइए, तो मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपकी सलाह मान लेते तो पता नहीं कहाँ कहाँ सरकार गिर जाती है। अच्छा है हम आपकी सलाह नहीं मानते, इसलिए आप कौन सलाह देता है आपको, कौन सलाह दे रहा है आपको? बोलिए ऐसे पत्रकार जिनसे आप सलाह लेते होंगे, हम नहीं देते आपको सलाह। मैं कह रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए, सुनने का मौका भी रखिए। बिल्कुल, सवाल का जवाब ही पूछ रही हूँ आपसे, आप भाग रहे हैं सवाल से, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं, बुलाती है तो हमारी सुनिए। पवन खेड़ा जी, आप बेवजह की गलत बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। प्रश्न पूछती है तो जवाब भी तो सुनिए। हाँ, मीडिया पर मत बोलिए, अपनी आवाज सुनना चाहती है आप, मीडिया पर मत बोलिए। सवाल बना रखा है इस डिबेट का, आपने मजाक बना रखा है, सवाल का जवाब दीजिए। रोज रोज मजाक बना देती है, कल कहती है सवाल का जवाब दीजिए, आज बोलती है सरकार नहीं बचा पा रहे। नहीं, आपके हाँ में हाँ मिलाएं तब बहुत अच्छा हो जाएगी बहस, पर अगर आपके हाँ में हाँ ना मिलाएं तो दिक्कत हो जाएगी। पवन खेड़ा जी, सवाल का जवाब दीजिए, मत खोलिए, सवाल का जवाब दीजिए, मुंह खोलिए, मत बोलिएगा,
सवाल का जवाब बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आप नहीं सिखाएंगे मुझे कब बोलना है। सरकार बचा रहे हैं, रिजॉर्ट में रख रहे हैं तो कहते हैं सरकार क्यों बचा रही हो, रिजॉर्ट में क्यों रख रहे हो, ये क्यों मजाक बना रखा है आपने। हर चीज पे हमसे प्रश्न पूछोगे। अरे जिस व्यक्ति की तारीफ प्रधानमंत्री करता है मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में भीलवाड़ा मॉडल की, उसकी सरकार अस्थिर की जा रही है, कोरोना के क्राइसिस के बीच में अस्थिर की जा रही है, पीएलए नहीं संभाल पा रहे, एमएलए खरीदने चले हो, उनसे नहीं प्रश्न पूछेंगे, हमसे पूछ रहे हो कि एमएलए को क्यों छुपा के रखा हुआ है, क्यों नहीं रखेंगे, हमारी सरकार है हम बचाएंगे, और चुनी हुई सरकार है, कोई भीख में नहीं ली हुई सरकार है हमारी। मजाक बना रखा है आप लोगों ने, किसी ने मजाक नहीं बना रखा है, आप प्रेजुडिस से बात कर रहे हैं, आप प्रेजुडिस से बात कर रहे हैं, हिंदी का ये ग्रुप, आप बिल्कुल प्रेजुडिस से बात कर रहे हैं। ये बोला, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कुछ पूछा था, मेरे को बोलने दीजिए, हाँ, टॉपिक पे जवाब दीजिए, टॉपिक पे ही रह रहा हूँ, आप भी टॉपिक पे ही रहा कीजिए। जब चीन पे बात होती है तो कहते हैं नरेगा पे बात करो, जब नरेगा पे बात करते हैं तो कहते हैं टॉपिक पे करो, क्या टॉपिक है आपका, बहुत अच्छा टॉपिक पर ही है, मुझे पता था आप मनरेगा चीन सब लाएंगे, टॉपिक पे रहिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना, और कोई टॉपिक नहीं आपका, टॉपिक का जवाब दीजिए, जो मेरा ग्राउंड से रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। तो आपको देश की जमीन बचाने से नहीं है, आपको सरकार की कहीं पे निंदा नहीं हो जाए, बस वो बचाना है, मजाक मत करिए। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, मजाक आप कर रहे हैं, पॉपुलर है, मजाक आप कर रहे हैं, थोड़ा सा मर्यादा है इस शो, बिल्कुल, और वो मर्यादा मैंने बनाई है, आपने नहीं, आप तोड़ रही हैं उस मर्यादा को, आप तोड़ रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल, अपने एमएलए को नहीं बचाएंगे तो क्या करें, आप बचाएंगे, तो आप बोलिए ना, एमएलए को बचाने की नौबत आ गई है, मीडिया पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरा रिपोर्टर जो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा है उस पर एक सवाल आपसे पूछ रही है, आप मुझे मर्यादा सिखा रहे हैं, एक दशक हो गया इस शो को बनाकर, और मर्यादा हमने कायम की है, आपकी वजह से नहीं कायम हुई है, खूब पूछते हैं और आपके कहने पे नहीं पूछते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए, मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए, जो मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से बोल रहा है मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ, आपकी वजह से मर्यादा नहीं बनी है इस शो की, पहले तो हिम्मत दिखाइए, बहुत हिम्मत है, आपको अंदाजा भी नहीं है कितनी हिम्मत है, मुझे मालूम है, मुझे आपकी हिम्मत मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है आपको, चोरी करने निकले, हजार बार पूछेंगे आपसे भी पूछेंगे, जवाब दीजिए, अरे विपक्ष से तो पूछना बड़ा आसान काम होता है, बस इसी बात के पीछे छिपते रहिए, आप वहाँ सरकार में हैं, हमें लाल आंखें दिखा रहे हैं, एक सेकंड मिस्टर खेड़ा, आप राजस्थान में सरकार पे हैं, भूल मत जाइए, आप राजस्थान में सरकार हैं, मैं अभी आपको ध्यान रखिए इस बात, जी नहीं आपको मैं सिखाऊंगी, आप क्या सिखाएंगे, आप क्यों बताएंगे हमें, आप कैसे आरोप लगाएंगे बायस से, जब ग्राउंड से मेरा रिपोर्टर एक सवाल खड़ा कर रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पवन खेड़ा, पत्रकारिता मुझे मत सिखाइए, मुझे पॉलिटिक्स मत सिखाइए, बिल्कुल नहीं सिखा रही, मैं सवाल का जवाब पूछ रही हूँ, जो मेरे रिपोर्टर ने ग्राउंड से सवाल पूछा वो सवाल मैंने आपसे पूछा, मुझे बायस मत कहिए, अरे विपक्ष से आप सवाल पूछते जाती है, बस इसी के पीछे छिपते रहिए, बस इसी के पीछे छिपते रहिए, विपक्ष में नहीं है, राजस्थान में आप सरकार है, इसलिए आपसे सवाल पूछा है, वरना मैं रोज गौरव भाटिया से बीजेपी से सवाल पूछती हूँ, आ चुकी राजस्थान पे बहस हो रही है, इसलिए आपसे सवाल पूछा है, चोरी क्यों कर रहे हैं, हाँ तो पूछिए ना उनसे, मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए, मीडिया पे हम उंगली नहीं उठाएंगे, रोज बैठ कर एक ही बात करते रहते हैं आप, बार बार करेंगे मीडिया पर सवाल प्लेटफॉर्म देते हैं, क्यों नहीं आप छिप रहे इस बात के पीछे, पवन खेड़ा आप छिप रहे इस बात के पीछे, विपक्ष से सवाल मत पूछिए, राजस्थान में मीडिया से मैं बार बार सवाल करूंगा, राजस्थान में आप सरकार में है तो मैं कभी नहीं रखूंगा मीडिया को, ये मेरा भी मेरा फर्ज है, मेरा मुझे पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका मकसद ये है कि राजस्थान जहां पर आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मीडिया की असलियत कई लोगों की मुझे भी मालूम है, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका मुख खुला ही रहता है, इसलिए ये मत समझाइए कि मुख खुलवा देंगे, धमकी मत दीजिए मुझे, बात करिए, धमकी मत दीजिए, मर्यादा रखिए, धमकी मत दीजिए, तरीके से बात करना सीखिए, शो की मर्यादा मैंने बनाई है, आप जैसे लोगों ने मर्यादा, गौरव भाटिया ये गलत है, पवन खेड़ा जी आपसे हमेशा बहस होती है, बेवजह की आज आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में एक जवाब देने का सवाल पूछ लिया तो आपको बहुत ज्यादा नाराज गुजर गया, चीन पे आप क्यों प्रश्न पूछते हो, किसी ने ये नहीं बोला आपसे, किसी ने आपसे ये नहीं बोला, जब आप छह सवालों के बाद भी एक ही टॉपिक पर अटके रहे तब आपको बोला, राजस्थान में मनरेगा नंबर वन पर है, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, अगर पवन खेड़ा जी का गुस्सा शांत हो गया हो, पवन खेड़ा जी प्लीज, मुझे मेरा नाम मालूम है, बार बार मत लीजिए, बिल्कुल बार बार लेना पड़ रहा है क्योंकि आप सुन नहीं रहे, नरेगा, नरेगा पे नंबर एक पे है राजस्थान, मध्य प्रदेश में 22, एक सेकंड मिस्टर खेड़ा सुनिए, गौरव भाटिया, मध्य प्रदेश में 22, कर्नाटक में 16, गोवा में 13, मणिपुर में 8, असम में 9, आपकी नजर
हर ऐसे राज्य पे रहती है जहां पर आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश दिखती है सत्ता बनाने की। और ये याद रखिएगा पवन खेड़ा जी, ये सवाल और इस सवाल की तैयारी आपके आने से बहुत पहले से हुई थी, ये आपके दबाव में नहीं पूछा जा रहा है, ये आप लोगों की नजर है जिस पर न जाने कौन सी धूल जम गई है। मुझे भाषण मत दीजिए, गौरव भाटिया हमें कोई आपत्ति नहीं है, देखिए मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गौरव भाटिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 मिनट आपने मुझसे उलझकर बर्बाद किया बजाय इसके कि आप बीजेपी से सवाल पूछें। कोई बर्बाद नहीं किए, मैं आप गौरव भाटिया बोल रहा हूं, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। हर राज्य में चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, किसी भी राज्य में, वो भी मुझे सुनेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और बड़ा दुख हुआ ये देख के कि अगर आपने एक सवाल कर लिया तो उन्होंने पत्रकारों पे मीडिया पे ही सवाल उठा सर, अब आप हमारी तरफ से बैटिंग ना करें, मैं सक्षम हूँ प्रभु, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हर ऐसे राज्य में मध्य प्रदेश में बनी बनाई चुनी चुनाई सरकार, कोरोना के टाइम आने के बाद भी आपने गिरा दी सफलता पूर्वक, महारत हासिल है, हुनर हासिल है, इसीलिए अपने विधायकों को वो छिपा रहे हैं, जवाब दीजिए। अब बीच में आप ना बोलिएगा अंजना जी, मैं अपने तरीके से जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जिस तरह से आप पत्रकारों पे हमला हुआ, मीडिया पे हमला हुआ, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी हमला होता है, सर्वोच्च न्यायालय पे भी हमला होता है, और अगर एक तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो ये उलूल जुलूल की बातें करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है कि सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत पे सवाल उठाते हैं, जब लोकसभा चुनाव में सारी सीटें हार जाती है कांग्रेस तो क्या कहते हैं सचिन पायलट? अशोक गहलोत कहते हैं सचिन पायलट जिम्मेदार हैं, सचिन पायलट कहते हैं अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। ये बीजेपी नहीं, ये इनकी अंदरूनी एक फाइट चल रही है जिसमें ये ध्वस्त होते जा रहे हैं। दूसरी बात आप पढ़िए कि किस तरह से जब इन्होंने कंप्लेन दी तो इन्होंने अज्ञात लोगों की बात करी। अरे इनके चोर, इनके डकैत, क्योंकि इन्होंने डकैती करी है देश में तो इनको पता है कि चोरी डकैती क्या होती है। आप पुलिस आपकी, सीएम आपका, सरकार आपकी, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते अगर कोई गलत कानून तोड़ रहा है तो आप बताइए। तीसरी बात देखिए, दिक्कत इनकी क्या है मैं आपको बता दूं कि ये खुद चोरी और डकैती करते हैं। इनसे प्रश्न पूछिएगा जब मेरी बात पूरी हो जाए, बसपा के 6 MLA थे, मध्य प्रदेश में किसने किया था? तोड़ा, एक मिनट, मध्य प्रदेश में किसने किया जो बसपा के थे, किसने तोड़ा था अंजना जी? और सोनिया गांधी में किसने कमाल कर दिया, कमल खिला के, आप बताइए ना। नहीं एक एक बात बताइए अंजना जी, मैं आपसे कहता हूं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्यों करते हैं? एक बड़ी समस्या है आज कांग्रेस में, इनको ये शीशा साफ करते हैं, धूल इनके चेहरे पे लगी है, नेतृत्व विहीन पार्टी है इनकी आज, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है और इसीलिए इनके MLA टूट रहे हैं। क्या ये आपके चैनल पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बिकाऊ पार्टी है? क्या आज ये कह रहे हैं अशोक गहलोत को चुनाना? गौरव भाटिया जी, अशोक गहलोत को चुनाना, जो तेरा वहां पर वसुंधरा राजे को नहीं चुनाना राजस्थान की जनता ने, लोकतंत्र में मैंडेट को आप क्यों नहीं सम्मान उसका रख पाते हैं? हर राज्य में क्यों तो सम्मान रख रहे हैं? अच्छा सम्मान महाराष्ट्र में क्या हुआ ये बताइए जरा, महाराष्ट्र में कर्नाटका में क्या हुआ था? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? मेरा एक सवाल है अंजना जी, एक मिनट मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए, मेरा सवाल बड़ा है। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारे MLA को चोर आ रहे हैं लूट करने, तो मैं कह रहा हूं क्या बिकाऊ पार्टी है कांग्रेस? अपने MLA को आप खुद अपने घेरे में नहीं रख पाते, वो लोग आपके जो नेतृत्व है उसमें आस्था नहीं रखते, इसके लिए दूसरे को जिम्मेदार करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, बसपा के 6 MLA जब तोड़े आपने, दोबारा जो है पार्टी ज्वाइन कराई, सोनिया गांधी ने क्या मुबारकबाद दी या नहीं? तो आपका चरित्र ही यही है कि आप चरित्रहीन है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। चादर में इतने छेद हैं कि पूरी चादर तार तार हो रखी है। पवन खेड़ा बस यही दो सवाल मेरे हैं, पूछिएगा पवन खेड़ा जी। जी दो सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे, वो उनका कहना है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों के बिक जाने का डर सताता है जिसकी वजह से इतना बचाते फिर रहे? अंजना जी इस देश में हमने आपने बचपन में कई कहानियां पढ़ी, देवता तक पिघल जाते थे,
तो अगर आप लालच दोगे, भय दिखाओगे, आपके पास तो केंद्र सरकार का डंडा है, आपके पास इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, हजार तरीके के आपके प्रलोभन है, आपको शिवराज चौहान है, तो आपके पास है ना बीच में नहीं। ठीक है गौरव जी, वो बोल रहे हैं, मेरा सवाल है पवन जी, गौरव जी वो पूरा कर रहे हैं, मत बोलिए नामजद एफआईआर क्यों नहीं करी आप, नहीं है ये अंजना जी, इनको ये तो बता दीजिए कि मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, चुपचाप सुना था। गौरव जी बारी बारी से मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। अंजना जी प्लीज, अंजना जी एंकर हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उन्होंने आपका सवाल मुझे बता दिया। अंजना जी, शिवराज चौहान ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था मध्य प्रदेश सरकार गिरानी है, तो उनकी अपनी आवाज है, उनका वीडियो, उनका ऑडियो, सब कुछ सामने है। लॉकडाउन लगाने में देरी इसलिए कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी, और लॉकडाउन हटाने में जल्दी इसलिए कि बिहार में प्रचार करना है, सरकार बनानी है वापस से, राज्यसभा में एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाए गुजरात में, वहां एमएलए खरीदने, राजस्थान में एमएलए खरीदने, तो चलो लॉकडाउन हटाओ, लोग लड़ेंगे कोरोना से, हम लड़ेंगे चुनाव। ये तरीका तो ठीक नहीं है, ये लोग भी देख रहे हैं। अपनी जो सरकार, जिसकी वजह जो दूसरा टर्म आपको जनता ने दिया है 303 सीटों से, वो सरकार चला नहीं पा रहे, चले एक और सरकार बटोर, अरे ये तो चला लीजिए, फिर जाइए ना दूसरी जगह, जनता चुनेगी, आ जाइएगा। आपने भी अपने एमएलए गुड़गांव में रखे थे रिजॉर्ट में, याद है, मैं आ तो क्या वो बिक गए थे, बिकने वाले थे, तो इसलिए क्यों रिजॉर्ट में रखा था कोई उत्तर ही नहीं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता। आपने भी रखे, कई बार रखे, कोई एक बार रखे, याद है वो हजूरिया खजूरिया वाला किस्सा, याद है शंकर सिंह वाघेला वाला, याद है केशुभाई पटेल वाला किस्सा, याद है, या और खुलासा करूं कि मोदी जी का उसमें क्या रोल था, अमित शाह का उसमें क्या रोल था, आमने सामने, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, देश बचाइए, दामन हमारी चिंता मत करिए, पहले देश की सीमाएं बचाइए, पहले देश के मजदूर को बचाइए, पहले देश के व्यापारी को बचाइए, पहले देश के बेरोजगार नौजवान को बचाइए, मेरे दामन की चिंता आप मत करिए। वो ठेका आपने नहीं ले रखा है, जो ठेका आपने ले रखा है वो काम ठीक करके दिखा लीजिए, अगला इलेक्शन जीतोगे नहीं तो नहीं जीतोगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन आप कोरोना में जो संकट हुआ पूरा चारों तरफ त्राही त्राही अभी हो रही है, खत्म नहीं हुआ है, अर्थव्यवस्था पटरी पे उतर चुकी है, उसकी आपको चिंता नहीं है। कैसे अशोक गहलोत की सरकार गिराऊं जो अच्छा काम कर रही है, भीलवाड़ा मॉडल पूरा विश्व देख रहा है, नरेगा में 31 लाख लोग एक महीने में, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, लेकिन आपको उनको भी डिस्टर्ब करना है, क्योंकि आप चुनाव जीते हो सिर्फ इसलिए लोगों का काम करने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए जीते हो, और जगह भी सरकार बनाऊं और पैसे कमाऊं उन पैसों से और एमएलए खरीदूं। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, ये एमएलए खरीदने का काम है आप लोगों का, इतनी सारी सीटें लेकर बने बने हुए हो प्रधानमंत्री, ये शाह और शहंशाह हो सकता है, नहीं कोई खटमट हो गई क्या शाह और शहंशाह में? शहंशाह को अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं, शाह साहब उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जवाब दीजिए इसका, हाईकमान ने बोला कौन है, गौरव जी का जवाब से पहले एक बार जरा यहां पर ग्राफिक्स दिखा दे, एक सेकंड गौरव जी मैं आ रही हूं आपके पास, और सतीश पुनिया जी जो बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान के वो भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले जरा यहां पर टेबल टॉप ग्राफिक्स आपको दिखा दे कि इस वक्त समीकरण क्या है। दरअसल राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और 51 वोट चाहिए एक व्यक्ति के जीत के लिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों का, पहले हम आपको यथास्थिति जो इस वक्त है 107 कांग्रेस के एमएलए और सीपीएम के आप देख रहे हैं 2, बीजेपी के पास 72 है और बीजेपी के 2 है, यह राजस्थान का मौजूदा समीकरण है जिसमें आरएलडी के पास भी एक सीट है और आरएलपी के पास भी 3, निर्दलीय 13 है जिनमें से ज्यादा का समर्थन कांग्रेस के लिए है, कुल सीटें 200 है और ये हमने आपको पार्टी वाइज सभी का डेटा दिखा दिया। अब 51 वोट चाहिए एक राज्यसभा में जीत के लिए, सत्ता पक्ष के पास 107, 2 सीपीएम के, 13 निर्दलीय का बीजेपी के साथ 1 है इसलिए 12 वहां हो गए, और इधर 72 और 3 यानी 75, कुल 123 है सत्ता पक्ष के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए, और फिर उसके बाद जो विपक्ष आप देख रहे हैं उस तरफ बीजेपी के पास 75 है, तो ये तो अपने 51 के साथ 2 लोगों को आराम से राज्यसभा पहुंचा सकती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीजेपी के लिए दूसरे को पहुंचाने में दिक्कत होगी, तो माना जा रहा है कि इसी वजह से तोड़फोड़ का ये पूरा खेल इस वक्त वहां पर चल रहा है। ये हमने आपको दोनों का ही समीकरण दिखा दिया जिसमें आप देख रहे हैं ये सत्ता पक्ष ऊपर से नीचे तक देखिए 123 और फिर ये वाला आप विपक्ष का देख रहे हैं जिसमें 75 पर, इसीलिए माना जा रहा है कि पूरा ये समीकरण और ये खेल चल रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस अपने विधायकों को रिसोर्ट में रख रही है। जल्दी से सतीश पुनिया जी से एक रिएक्शन, फिर मैं गौरव जी आपके पास आऊंगी। सतीश पुनिया जी बताइए, सारा आरोप आपके राज्य की इकाई पर है कि आप लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं विधायकों को ऐसे वक्त पर, साफ कहा है कि एमपी वाला खेल यहां पर खेल रही है बीजेपी, अशोक गहलोत जी ने, क्या है आपका जवाब?
अंजना जी, गणित भी साफ है और परिस्थितियां भी दिखती हैं, लेकिन मुझे आपत्ति है अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के विधायकों को इतना सस्ता मान लिया कि 25 करोड़ में उनका ईमान बिक जाएगा, इस पर आपत्ति है। यदि सरकार सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, उनके अपने विधायक इंटैक्ट हैं, तो इनके पेट में दर्द ये हुआ कि हमने दूसरा उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल क्यों कराया। गणित साफ थी, आप ही बताइए ना कि कैसे लाएंगे इतने विधायक जब आपके पास नंबर ही नहीं है। 51 विधायक चाहिए तो एक ही जीत सकता है ना सर। ये दूसरा अंतराल है। 2008 में भी 100 से कम संख्या थी कांग्रेस की, बीएसपी को मर्ज किया पूरी पार्टी को। इस 2018 में भी बिल्कुल यही प्रैक्टिस हुई। 6 के 6 मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्रभु, एक सेकंड मिस्टर पुनिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास इतने आंकड़े ही नहीं है कि 51-51 दो लोगों को आप राज्यसभा चुनाव जिता सके, तो फिर दो उम्मीदवार किस सहारे खड़े किए? हम कहां मना कर रहे हैं, दो उनके जीतेंगे एक हमारे जीतेंगे, तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों बाड़ेबंदी कर रहे हैं, क्यों सीमाएं सील कर रहे हैं? तकलीफ किस बात, क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्यों एसीबी में जा रहे हैं? एसीबी में ये आश्वासन सी बात है, एसीबी में जाने के लिए आपको प्रमाण देना पड़ता है कि ये आरोप करप्शन का, इसके कारण हम लोग एसीबी में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। कोई प्रमाण है, कोई ईमान है तो बताए अशोक गहलोत जी। तो अपने विधायकों को रिसोर्ट में क्यों रखना पड़ रहा है उन्हें? मैं यही कह रहा हूं कि सरकार अंतर विरोध की, अंतर कलह की शिकार है। यदि आप विधानसभा का ट्रैक देखेंगी तो इनके सीनियर एमएलए ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेके जब जब भी इस 1.5 साल में इस सरकार में जिस तरीके का अंतर विरोध मुखर हुआ है, इनके एक विधायक ने सदन में खड़े होकर कहा, सीनियर एमएलए ने, एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर ने, कि मुझे बीआरएस दे दीजिए। विश्वेंद्र सिंह लगातार सरकार पर हमला करते हैं, भरत सिंह करप्शन के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं, पर जितने एमएलए हैं वो अपने मंत्रियों के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में एक मंत्री किसी प्रभार के जिले में नहीं गया, मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले, कोरोना में पूरे तरीके से विफल हुए, और अब उनको सियासत नजर आती है कि बीजेपी उनके विधायक तोड़ रही है। हम क्यों तोड़ेंगे? ठीक है, आपकी गणित साफ है, हमारी भी साफ है। ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा है आपने अपने पीछे राजस्थान के मैप में कमल खिलाया हुआ है। हम भी यही कह रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन लोटस तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, फिलहाल तो वहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पवन खेड़ा जी, आपने उनकी बात सुन ली, पॉइंटेड जवाब अगर देना चाहें। जी देखिए, वो अपनी बात वो आकर थोड़े कहेंगे कि हाँ हम खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं या हम किसी को जी, आप मेरे पास आएंगे मैं उत्तर दूंगा। अच्छा, इसके बाद आ रही हूँ गौरव जी, इसके बाद आ रही हूँ। बीजेपी ने अभी बोला है, इसलिए एक बार पवन खेड़ा जी बिल्कुल जायज सी बात है, वो तो यही कहेंगे कि हमने नहीं, हम तो नहीं कर रहे, वो थोड़े कहेंगे, उनसे तो उम्मीद भी नहीं कहेंगे। लेकिन शिवराज चौहान ने तो कह दिया ना होने के बाद कि ऊपर वालों ने कहा था इसलिए गिराई, तो ये भी हो अगर, ये तो हम होने नहीं देंगे। आज से 6 महीने बाद बोले क्या फायदा, फिर आप कहेंगे देखिए ये बोल रहे हैं। इसलिए हम पहले से ही सतर्क हैं। राजस्थान ने तो कोरोना के लिए एक नारा दिया था कि राजस्थान सतर्क है, हम भाजपा से भी सतर्क हैं, कोरोना से भी सतर्क हैं, चिंता मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अवसर मत तलाशी, अवसर तलाशी आपदा में, तो आपदा में अवसर का अर्थ ये लोग शायद गलत समझ गए कि आपदा आई है अवसर का फायदा उठाइए, सरकारें गिराइए, एमएलए खरीदिए। अरे साहब, उन्होंने ये नहीं कहा था, या हो सकता है उन्होंने यही इशारा दिया हो, ये वो जाने और गौरव भाटिया जाने, मुझे इसमें बीच में नहीं पड़ना। लेकिन आपदा में अवसर ऐसा भी मत तलाशिए कि चुनी हुई सरकारें गिराइए। आपकी छवि ऐसी हो गई है कि आपसे सतर्क रहना पड़ता है सबको। हाँ देखिए, ये बात जरूर मैं कहूंगा, कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और पहले सेगमेंट में मैंने कहा ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत है, और मेरे 2-3 सवाल थे। मैंने बसपा के बारे में पूछा, 6 विधायक तोड़े, सोनिया गांधी ने मुबारकबाद दी, पवन खेड़ा जी चुप्पी साध गए, दही जमी रही, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। दूसरा मैंने कहा, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, अगर आपको पता है कि कौन कानून तोड़ रहा है या कोई गलत कार्य कर रहा है, आप नामजद करिए, कार्रवाई करिए, यही उचित प्रक्रिया होती है। जो नहीं कर रहे ये भी इन्होंने मुझे देखे बताया। देखे जाइए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ आने वाला है। बीच में मत बोलिए, अभी आप ज्ञान बांट रहे थे, मैंने बहुत देर सुना आपको पवन जी, और मैंने लिख लिया इसी को, ज्ञान बांट रहे थे अभी आप, अब आप मेरी बात सुनिए। बहुत कुछ आने वाला है। देखिए अंजलि जी, मैं आपको बताऊं आज परेशानी क्या है कांग्रेस में, प्लीज अंजलि जी चुप कराइए, देखिए प्लीज, आपको भी कोई नाम नहीं, चुप कराइए। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जवाब दे ले, फिर बोलिएगा पवन खेड़ा जी। खेड़ा साहब मैं आऊंगी आपके पास, गौरव जी पूरी कीजिए अपनी बात। गौरव जी देखिए, आपने देखा होगा संजय झा जी हैं, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका दूसरा लेख आया, और मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर से एक आवाज आ जा रही है कि कोई यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है,
और इसीलिए इनके विधायक भी पार्टी में रहना नहीं चाहते, ये अपने पार्टी के विधायकों को बिकाऊ बुलाते हैं, इस पे हमें आपत्ति है। भाई विधायक जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा है, उनको बिकाऊ मत बुलाइए। आप अगर नेतृत्व को अपने बिकाऊ कहेंगे तो दूसरा कोई आस्था कैसे रखेगा। तीसरी बात, इन्होंने कोविड और कोरोना की फाइट की करी, क्या कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं ये एमएलए? और इनकी आंतरिक कले की वजह है किस तरह से मछली जल बिना नहीं रह सकती, कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता के बिना नहीं रह सकती। अंजना जी, महाराष्ट्र इनको याद दिलाइए, कितनी सीटें आई थी, उसके बावजूद सरकार बनाने के लिए पलटू राम ने पलटी मारी, और क्या किया कर्नाटका में, यही बात करी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस अपने जो अंतर विरोध की वजह से गिर रही है, सचिन पायलट खुद नहीं चाहते कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे, ये स्पष्ट हो चुका है, ये इनकी लड़ाई है। आपकी बात हो रही है क्या? पे बोलना चाह गौरव जी, सचिन पायलट से बात हो रही है कैसे, क्या जैसे वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया से हो रही थी? अरे क्योंकि मीडिया के सामने तो वो ऐसा नहीं बोल रहे। देखिए यही फर्क है, आपने जब कांग्रेस से सवाल पूछा था तो आप पे चढ़ गए थे, आरोप लगा रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा, अभी जो आज का विषय है उसी पे चर्चा की जाए। ये कांग्रेस है ये नष्ट हो जाएगी अपनी आंतरिक कलह की वजह से, ये जो भाई भतीजावाद है, एक परिवार की पूजा है, इसी में नष्ट होगी कांग्रेस। आप देखिएगा संजय झा जी ने भी यही लिखा है, मेरे मित्र है पवन जी, पढ़े जरूर कि संजय झा जी ने क्या कहा है पार्टी के। पवन खेड़ा जी वो पढ़ चुके होंगे, पवन खेड़ा जी। अच्छा संजय झा तो याद आ गए, सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट्स नहीं देखते आजकल आप? सुना है ब्लॉक कर रखा उन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी के भी तो ट्वीट्स देख लीजिए। संजय झा तो याद आ रहे हैं आपको, यशवंत सिन्हा भूल गए, अरुण शौरी भूल गए, अडवाणी जी का तो आपने मुंह ही बंद करा दिया सीबीआई का केस वापस रीओपन करके। इसलिए मेरी पार्टी में क्या हो रहा है वो छोड़िए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि नाकारा वित्त मंत्री है, नाकारा विदेश नीति है, नाकारा रक्षा नीति है। जवाब दीजिए हमें, कुछ कभी कभी वो भी ठीक बोल जाते हैं, शायद दीजिए नोटिस उनको, आगे संजय झा का आर्टिकल मुझे दिखाने। अभी आपने पलटू राम किसको कहा? नीतीश कुमार जी को। अरे आपके अलाए हैं नीतीश कुमार जी को, आप नेशनल टीवी पे इतने पॉपुलर क्या बोल रहे हैं? उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपकी पुलिस से उत्तर नहीं दे रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। पलटू राम तो है ही आपकी पार्टी, अपने पार्टनर को, अपने अलाए को पलटू राम बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका नुकसान हो सकता है पार्टी में। मत बोलिए नीतीश कुमार जी को पलटू राम, पलटू राम नीतीश कुमार जी को पलटू राम। वो पूरा कर ले, मैं जवाब लूंगी आपसे गौरव जी, जवाब लूंगी। अंजना जी का शो नीतीश बाबू भी देखते हैं, आप उनको पलटू राम को बोल रहे हो, अच्छा थोड़े लगता है, संबंध खराब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल ऐसा मत करिए, आपका नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको राज्यसभा मिले भाजपा से, आप अपना नुकसान कराने पे तुले हुए, मत करिए ऐसा काम। मेरी तो पूरी उम्मीद है कि आपको राज्यसभा मिलेगी, तो ऐसा काम मत करिए ना। पलटू राम क्यों बोलते हो आप नीतीश बाबू को? मत करिए, अच्छी बात नहीं है, सीनियर है। उतारिएगा गांधी। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो मैं आरती नहीं उतारूंगा, लेकिन मैं पलटू राम भी नहीं बोलूंगा उनको। अब आप कह रहे हैं नामजद करिए, बिल्कुल करेंगे, वक्त आने दीजिए आपको। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे नाम आने वाले हैं कि मोदी जी को भी शायद आपको नहीं भेजेंगे टीवी पर उस दिन डिबेट में, क्योंकि नाम तो आएंगे। ये अशोक गहलोत है, उनको इतना छोटा मत, हल्का मत मानिए। जिस दिन वो अब उतर के आए हैं ना मैदान में, वसुंधरा जी से पूछ लीजिएगा, अगर थोड़ा कम जानकारी है आपको गहलोत जी के बारे में, तो वसुंधरा जी से पूछ लीजिए, आपको पूरी जानकारी दोस्त मिल जाएगी। इससे ज्यादा अभी पहले डोंट जंप द गन इंग्लिश में कहते हैं, वक्त आने पर आपको नामजद भी मिलेंगे, और कुछ नाम अगर डलवाने हो, आपके कुछ साथी हो राजस्थान में, तो बता दीजिएगा, उनके भी डलवा देंगे। और कहिए कुछ, आप पूछना नहीं, कुछ पूछना है और नहीं। आपने बसपा पे उत्तर नहीं दिया, आपकी पुलिस है उस पर उत्तर नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, आज आप वीक विकेट पे है, कोई बात नहीं, उत्तर दे तो दिया। मैं केवल एक बात कहूंगा, नामजद तो होगा, पुलिस की नहीं होती, ये आपको याद दिलाता हूं, गलत मॉडल है कि हमारी पुलिस है, पुलिस देश की होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। नहीं नहीं, गलत बात पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती। आप पुलिस का अपमान मत करिए, आप पुलिस का अपमान मत कीजिए। ठीक है, गौरव जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है गौरव जी जवाब दे रहे हैं। पवन जी प्लीज रुक जाइए, अपना मानते हैं पवन जी, प्लीज गौरव आप अपना मानते हैं, गौरव जी बोलिए, पवन जी प्लीज सर गौरव जी, क्या एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड, अरे आपने क्लियर कर दिया ना, पुलिस क्या होती है? हाँ ठीक है, उन्होंने बोल दिया, ठीक है जवाब देंगे वो गौरव जी। देखिए
एक बात स्पष्ट है कि जो युवा हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। जो चाटुकार हैं, गांधी परिवार की आरती वो उतारेंगे, 50 साल के अपरिपक्व बालक को मक्खन लगाएंगे, वो आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश में इसीलिए एक बहुत प्रतिभावान नेता इनको छोड़ के चला गया, एमएलए छोड़ के चले गए। प्लीज पवन जी आपकी बारे में बोलिएगा, पवन जी ने जवाब का मौका दूंगी प्लीज। बीच में आपकी वंदना अगर आपकी पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्लीज प्लीज दराज आदमी है, अरे प्लीज पवन जी, पवन जी प्लीज, पवन जी प्लीज, गौरव जी बात पूरी कीजिए जल्दी से, ब्रेक का टाइम है। मौका मैं दोबारा कहता हूँ, देख लीजिएगा, जब राजस्थान में चुनाव हुए तो मेहनत सचिन पायलट से करी, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। फ्रस्ट्रेशन मत रखिए, मोदी जी की उम्र हो गई है, कोई बात नहीं, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, कभी इनकी पार्टी का ये हालत है, इनकी पार्टी की हालत ही इसी वजह से। आप ऐसे क्यों करते हैं? पवन जी प्लीज सर, कोई भी कहते नहीं करोगे। गौरव जी जवाब दीजिए। धन्यवाद, मैं इतना ही कहूंगा, ये इनकी आंतरिक कलह है पहली बात। दूसरी बात, इनके विधायकों को भी इनके नेतृत्व में भरोसा नहीं है और इसीलिए ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तीसरी बात, ये खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, इसीलिए इनको लगता है कि हर कोई ऐसा ही करेगा। मैं एक बात कहूंगा, आप अपनी पार्टी को मजबूत और अपने एमपी एमएलए को साथ तभी रख सकते हैं जब आपकी एक मजबूत विचारधारा हो और जो आपके नेता हैं उनकी आस्था आपके नेतृत्व और आपकी विचारधारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।